3, 2, 1 शुरू। उपबंधों के अधीन उस अपराध को स्थापित / साबित करने वाले संगठकों से भिन्न है या होंगे, किंतु विधि के एक उपबंध के अधीन दोष मुक्ति विधि के विभिन्न उपबंधों के अधीन अभियोजन के उन्हीं क्रमों / श्रृंखलाओं के अधीन कार्यवाही का भाग रूप नहीं होगी। विराम। नया पैरा। उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने धाराओं 141 और 149 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार किया है। विराम। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए मतों को पूर्णतः उद्धृत करना सुसंगत होगा। विराम। नया पैरा। धारा 149 अपराध के किए जाने के समय विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है। विराम। इस प्रकार यह धारा एक विनिर्दिष्ट और सुभिन्न अपराध सृष्ट करती है। विराम। दूसरे शब्दों में उस जमाव का किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य का अनुसरण में किए गए विधि विरुद्ध कार्यों के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों की आन्वयिक प्रतिनिधिक दायित्व सृष्ट करती है। विराम। तथापि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए कार्यों तक ही सीमित है, या ऐसे अपराधों तक जिनके बारे में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य यह जानते थे कि उस उद्देश्य को अग्रसर करने में उसके किए जाने की संभावना है। विराम। जब किसी व्यक्ति का मामला उस धारा के अंगों के अंतर्गत हो तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया अतात्विक होगा। विराम। वह यह प्रतिरक्षा नहीं ले सकता कि उसने विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध को अपने हाथों से नहीं किया था, या जमाव के सदस्य इस बात से परिचित थे कि उस उद्देश्य को अग्रसर करने के कारण वह ऐसा अपराध कर रहे हैं। विराम। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि उसका आशय उन कार्यों को मिलकर करने का था जिसका संभाव्य और नैसर्गिक परिणाम हुआ है। विराम। जिसमें उसने भाग लिया था। विराम। यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरुद्ध जमाव को गठित करने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः कोई प्रत्यक्ष कार्य करें। विराम। जब अभियुक्त व्यक्ति लाठियों से लेश होकर एक साथ इकट्ठे हुए थे और परिवादी पक्षकार पर हमला करने के लिए पक्षकार थे, तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की बाध्यता नहीं है कि अभियुक्तों में से किस अभियुक्त द्वारा कौन सा विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किया गया था। विराम। यह धारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को प्रत्येक के कार्यों के लिए प्रधान के रूप में जिम्मेदार बनाती है, और मात्र इसलिए कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। विराम। जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भाग लेने से अपराध करने के लिए व्यक्ति का सामान्य आशय उपदर्शित हो सकता है। विराम। इसलिए विधि विरुद्ध जमाव में मात्र उपस्थित धारा 149 के अधीन प्रतिनिधिक अपराध के दायित्व को ला सकती है। विराम। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि धारा
149 के अधीन आन्यवयिक दोष का आधार अपेक्षित सामान्य उद्देश्य का ज्ञान होने के साथ साथ विधि विरुद्ध जमाव की मात्र सदस्यता है। विराम, नया पैरा। इस प्रकार जब न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि कतिपय अभियुक्त व्यक्तियों ने विधि विरुद्ध जमाव गठित किया है और उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है या उस जमाव के सदस्य इस बात से परिचित थे कि उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर अन्य गवाहों के बयानों के बारे में भी बहस की गई है कि उनमें सेशन जज के सामने दिए गए बयानों में तथा प्रथम इतिला रिपोर्ट में आए तथ्यों में अंतर है। विराम, इस संबंध में एक अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करना उचित होगा। विराम, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कभी मौलिक (सारभूत) साक्ष्य नहीं हो सकता। विराम, इसका उपयोग केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि या उसे खंडित करने हेतु किया जा सकता है। विराम, इसका उपयोग किसी भी प्रकार से अन्य गवाहों के बयानों को खंडित करने या उनको अविश्वसनीय ठहराने हेतु नहीं किया जा सका। विराम, यह भी एक निर्णायक प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व उस मामले के तथ्यों पर तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विराम, इन मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले के प्रथम इतिला रिपोर्ट को देखा जाए तो यह प्रकट होगा कि जितना विस्तार से इस मुकदमे के तथ्य न्यायालय के समक्ष बयान किए गए उनकी तुलना में यह प्रथम इतिला रिपोर्ट बहुत ही संक्षिप्त है। विराम, अतएव इसे केवल घटना का सार मात्र कहना ही उचित होगा। विराम, नया पैरा। घटनाक्रम के बारे में कोई अंतर गवाहों के बयानों में नहीं है। विराम, साक्षी संख्या एक ने कहा है कि गांव के सभी लोग 11 या 11:30 बजे के करीब नहर कोठी पर पहुंच गए थे। विराम, वह यह कहता है कि 2 बजे जब राम किशोर आया तभी कुलाबा की बाबत झगड़ा जिलेदार के सामने शुरू हुआ। विराम, इसके बाद ही तीनों अभियुक्तों ने अपने आग्नेयास्त्रों से फायर किए थे। विराम, जगराम ने भी घटना रामकिशोर के आने के बाद ही घटित होनी कही। विराम, उसने भी बालचंद के ललकारने पर विजयपाल द्वारा जय नंद सुखवीर को पहले गोली मारना फिर दोबारा ललकारने पर ब्रजभूषण को भी गोली मारना कहा। विराम, उसने कहा है कि रघुबीर ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई। विराम, यह गवाह कहता है कि उसने नहीं देखा कि रघुबीर की गोली किसे लगी। विराम, इसने इलमचंद्र द्वारा कट्टा से फायर करने वाली बात नहीं कहा है परंतु मुख्य परीक्षा में वह इलमचंद द्वारा कहां से लैस होने वाली बात कही है। विराम, इस गवाह के जिरह में यह सुझाव दिया गया था कि ब्रजभूषण जय नंद सुखबीर ने विजयपाल की राइफल छीनने की कोशिश की और उसने
आत्मरक्षा में राइफल से गोली चलाई। विराम। यह भी सुझाव दिया गया कि घटनास्थल से ही विजयपाल अस्पताल चला गया था। विराम। इन सब सुझावों का गवाह ने नकारात्मक उत्तर दिया। विराम। इन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में बेगराज का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। विराम। उसने कहा है कि घटना के थोड़ी देर बाद बालचंद्र के घेरे में रघुवीर और बालचंद्र बस अड्डे से आए और वहां एक फायर की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद विजयपाल को चारपाई पर लिटाकर बस अड्डे की ओर कुछ लोगों को ले जाते देखा। विराम। विजयपाल को अन्वेषण अधिकारी ने अस्पताल में भर्ती देखा और वहीं से उसे गिरफ्तार किया था। बालचंद्र के घेरे से बान और चारपाई भी बलवीत राम शर्मा सब इंस्पेक्टर ने कब्जे में लिया था। विराम। इस बान के टुकड़े को जांच करने में रासायनिक परीक्षक तथा लसिकाविद विजन ब्रैकेट सीरम विज्ञानी ने पाया कि रक्त के धब्बे नियोजित थे। विराम। विजय पाल का ध्यान इन तथ्यों की ओर जब उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन बयान में प्रश्न 36 द्वारा दिलाया गया तो उसने केवल इन तथ्यों को गलत होना ही बताया। विराम। संभवतः यह सब कार्यवाही विजयपाल को चुटहिल करने की केवल एक आत्मरक्षा का बचाव का साक्ष्य उत्पन्न करने का था, परंतु किसी कारण इस पद पर साक्ष्य नहीं दिया गया। यद्यपि इससे संबंधित सुझाव गवाहों को जिरह में दिए गए। विराम। नया पैरा। इस बाबत सभी गवाह एकमत हैं कि बालचंद्र के ललकारने पर विजयपाल ने तीनों मृतकों को गोली मारी। विराम। इस बाबत एक अन्य साक्ष्य अभियोजन ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विराम। बलजीत राम शर्मा साक्षी अभियोजन संख्या 13 ने धारा 82/83 के अंतर्गत बालचंद्र के घेरे से राइफल प्रदर्श 7 तथा उससे संबंधित लाइसेंस को अपने कब्जे में लिया था और लाइसेंस से वह राइफल विजयपाल का होना उन्हें ज्ञात हुआ था। विराम। यह बात विजयपाल की ओर से जिरह में आई है। विराम। इस राइफल का विजयपाल के होने से इनकार नहीं किया गया है। विराम। इसकी बरामदगी सत्यता पर केवल एक आधार पर संदेह व्यक्त किया गया कि राइफल लेने के फर्द प्रदर्श क 22 तथा इस राइफल की थाने में दाखिले के बारे में रोजनामचे की प्रविष्टि में अंकित गवाहों के नाम में अंतर है। विराम। इस विषय पर अपर सेशन न्यायाधीश ने अपने निर्णय में तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला है। विराम। उन्होंने कहा है कि जिन गवाहों का नाम रोजनामचे में लिखे हैं वे कुर्की के गवाह हैं। विराम। शायद लिपिकीय भूल से उन्हीं गवाहों का नाम रोजनामचे में राइफल की बरामदगी के गवाहों का होना लिख दिया गया है। विराम। अतएव अपीलकर्ताओं की ओर से राइफल की बरामदगी के बारे में संदेह में कोई बल नहीं है। विराम। इसी राइफल से प्रयोगशाला में चलाई गई गोलियों का मिलान मौके पर मिली गोलियों से करने पर प्राक्षेपिकी विज्ञानी विदिन ब्रैकेट बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने
पाया कि गोलियां प्रदर्श 36 व 37 इसी राइफल से चलाई गई थी। विराम, नया पैरा। विजयपाल को अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सही ही दोषी पाया है, क्योंकि अनेक साक्ष्यों से यह साबित किया गया है कि उसने अपनी राइफल से तीनों मृतकों की हत्या की। विराम, साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विजयपाल ने हत्या करने की नीयत से तीनों मृतकों पर फायर किया था। विराम, मृतकों के शरीर पर पाई गई चोटें उनकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। विराम, उसके अन्य साथियों तथा सह अभियुक्तों का भी सामान्य आशय इस हत्या करने में था, क्योंकि बलजीत ने दो बार विजयपाल की हत्या करने हेतु ललकारा था तथा उसी समय रघुवीर और इलमचंद्र ने अपने आग्नेयस्त्रों से फायर किया था। विराम, इस प्रकार विजयपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन पूर्ण रूपेण तथा अन्य को धारा 34 की सहायता से उक्त धारा के अधीन दोषी पाकर आजीवन कारावास के लिए दंडित करने में अपर सेशन न्यायाधीश ने कोई गलती नहीं की है। विराम, धारा 302 के अंतर्गत भी सभी अपीलकर्ताओं को दंडित करने में योग्य अपर सेशन न्यायाधीश ने कोई त्रुटि नहीं की है। पूर्ण विराम।